In this particular video, we are going to talk about p-type semiconductors. Well, basically, if we are going to, dope intrinsic semiconductor by a trivalent impurity. I mean, let's suppose we have silicon here, a silicon semiconductor here, and let's suppose this is a pure intrinsic semiconductor of silicon. Though, as well, I told you before, ye jo body hai, silicon crystal of semiconductor of silicon है ना, तो इस क्रिस्टल की बॉडी में लैटिस बने हुए हैं, इनकी काफी जाले बने हुए हैं, जिसमें कि कोवेलेंट बॉल में सिलिकन इजीली अपने परमाणुओं के साथ बैठा हुआ है ना. तो लेट सपोज आई एम सेइंग कि मैं एक यहां पर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यानी कि त्रय संयोजिक जो हम कहेंगे, जिसमें कि संयोजी बैलेंस यानी कि आपका जो फाइनल ऑर्बिटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन का होगा उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. तो हम बेसिकली ऐसे इस कंडीशन में पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक टाइप पी टाइप बनाने के लिए हम सिलिकन या फिर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स में गैलियम, जिसकी परमाणु क्रमांक 31 है, तो गैलियम 31 को मिलाते हैं 2.8.18.3 और या फिर हम इंडियम 49 2.8.18.18.3 इन्हें हम सिलिकन या जर्मेनियम के साथ अगर लेट सपोज देयर इज अ सेमीकंडक्टर, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं और मैंने 10^10 मॉडरेट डोपिंग किया है, यानी कि 10^8 एटम्स के लिए पर्टिकुलरली एक एटम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी गैलियम को मिलाया है. तो अगर आप जनरल वे में हम समझे इस बात को, हम एक छोटा सा कोई एक सेमीकंडक्टर लेते हैं, उस पर अगर हम थोड़ी सी मात्रा में भी डोप करते हैं तो देयर विल बी सो मनी फ्री होल्स इन देयर. सो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग ट्रैवलिंग इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ होल्स एज वेल वी नो दैट इन देखो बेसिकली क्या है कि कोई एक सेमीकंडक्टर है, तो अगर बाय चांस रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर अगर बाय चांस में हीट की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है, तो अकेला इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन नहीं होता, उसके साथ क्रिएट होता है एक होल, और जितने इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेशन होते हैं उतने होल्स क्रिएट होते हैं, यानी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स नंबर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो बट डोप करने के बाद ट्राइवेलेंट स्पेशली यहां पर एक सिलिकन के साथ हम बेसिकली क्या ऐड करने वाले हैं, गैलियम है ना. तो गैलियम ऐड करने से क्या है, बेसिकली ये ट्राइवेलेंट है. तो ट्राइवेलेंट अगर हम क्लोजली इसको देखते हैं तो सिलिकन के अगर यहां पर चार इलेक्ट्रॉन्स हैं और गैलियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में साझेदारी कर लेते हैं, पर सिलिकन का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाता है, या मैं ये कहूं कि ये पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो पाए, या आप ये भी कह सकते हैं कि गैलियम में यहां पर एक होल क्रिएट कर दिया, इस इंटायर सेमीकंडक्टर की बॉडी में एक होल क्रिएट हो गया है, जो कि आप यहां पर बेसिकली देख सकते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर. तो ये होल्स अब जितने नंबर ऑफ गैलियम्स आप इम्प्योरिटी के रूप में बढ़ाएंगे उतने नंबर ऑफ होल्स आपके बढ़ते रहेंगे है ना. सो बेसिकली इन होल्स के बढ़ने से आपका करंट का फ्लो ही बढ़ेगा, क्योंकि आप सेमीकंडक्टर के अंदर आप जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि
आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एक जो एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि होल्स की वजह से पैदा होने वाले करंट की इंटेंसिटी को हम बढ़ा रहे हैं या फिर उसकी हम मात्रा को बढ़ा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हम यहाँ पर स्पेशली इन केस ऑफ दिस सेमीकंडक्टर इन बिटवीन मीनवाइल यहाँ पर इसके इस रेंज में काफी करंट की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। तो दिस इज द बेसिक टाइप ऑफ, और ये जो है एक्सेप्टर डोपिंग कहलाई जाती है, क्योंकि ये जब डोप किया जाता है गैलियम इस पर, गैलियम जब सिलिकॉन पर डोप किया जाता है, तो यहां पर एक होल्स क्रिएट हो जाता है, जो कि होल्स इलेक्ट्रॉन को, अब इस बॉडी में से जो भी जितने भी से, अब ये पूरी ऑलमोस्ट बॉडी सिलिकॉन की है, इस सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो जितने नंबर ऑफ होल्स, जैसे मैंने सपोज किया दो एटम्स मैंने मिलाए, तो दो ये एटम्स जो होल्स बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और वहां पर फिर होल्स क्रिएट हो जाएंगे और वो फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। सो दिस फिनोमिना मेक्स दिस ट्राइवेल एन इम्प्योरिटी अ एक्सेप्टर, है ना। तो दिस इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एक्सेप्टर। और आई एम रियली वेरी सॉरी, लास्ट वीडियो में एंड टाइप वीडियो में जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स थे, जो वीडियो जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर वो जो डोपिंग थी, उस डोपिंग को जब इलेक्ट्रॉन जो है मेजोरिटी में आ गया था, उस डोपिंग को हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। सो बेसिकली आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस प्रेजेंटेशन। सो